लास्ट मेले में जो व्यापारी आते हैं, खरीदार आते हैं, तो 16 करोड़ रुपए ऑफर हुए थे। इस मेले में 20 करोड़ रुपए ऑफर हुए। मेरा नाम जवाहरलाल जांगिड़ है जी, और मैं जोधपुर से हूँ। ये जो भीम है, ये इसके ओनर आप हैं? हाँ, मेरे पास है ये भीम बुल जी। सर, इसके बारे में बताइए, ये कितना वजनी है और कितने का है और इसकी डाइट वगैरह के बारे में? ये 6 साल का है जी, और इसका वजन 1300 किलो है। इसकी हाइट 6 फुट है, इसकी लंबाई नोज टू टेल 14 फुट है। इसके मेंटेनेंस का महीने का खर्चा 1-1.25 लाख रुपए आता है, जिसमें बेसिक रूप से 2 वेटनरी डॉक्टर हमेशा इसकी सेवा में रहते हैं, 2 केयर टेकर रहते हैं, और ये जो दूध पानी की तरह पीता है, मतलब 15-20 लीटर दूध हमेशा पीता है। 1 किलो घी खाता है बांटे में रोज, 0.5 किलो मक्खन खाता है, सर्दियों में ड्राई फ्रूट्स के औषधियों के साथ लड्डू खाता है 4 महीने तक, सुबह 5-7 किलोमीटर घूमता है, फिर इसकी सरसों के तेल की मालिश होती है, फिर नहलाया जाता है, फिर बांटा चारा खिलाया जाता है, शाम को फिर घुमाया जाता है 5-7 किलोमीटर ताकि ये फिट रह सके। कौन सी नस्ल का सर? ये प्योर मुर्रा नस्ल का बुल है, वर्ल्ड में प्योर मुर्रा नस्ल का 1 नंबर का बुल है आज की तारीख में। इसमें किसी तरह का दूसरी ब्रीड का मिक्स नहीं है। इसकी माँ जो है 27.2 लीटर दूध देती है। ये भीम को आप कहाँ कहाँ ले जा चुके हैं, किन किन जगह जा चुका है अब तक, और कौन से अवार्ड जीत चुका है? ये जहाँ पे भी जाता है चैंपियन होता है, किसी भी मेले में जाए। मैं सब मेलों में नहीं ले जाता, मुझे कोई मेला समिति या संबंधित जिला कलेक्टर यदि इनवाइट करते हैं तो मैं वहाँ जाता हूँ। ऑन इनविटेशन जाते हैं, मतलब ऑन इनविटेशन जाते हैं, बिना इनविटेशन के किसी मेले में हम नहीं जाते। सुबह से लेकर शाम तक इसकी सेवा में 2 कंपाउंडर, इसके अलावा और कितने लोग रहते हैं? 2 केयर टेकर रहते हैं जी। यहाँ अभी मेले में हम 10 जने हैं इसके सेवा में। अच्छा, में क्या रेट होगी सर इसकी? मार्केट की में रेट इनका बेचने की? इसको बेचना नहीं है, मैंने पहले भी आपको बताया, ये सिर्फ रखा है मैंने अपने, और ये आम किसान को इसके नस्ल सुधार का फ़ायदा पहुंचाने के लिए। लास्ट मेले में जो व्यापारी आते हैं, खरीदार आते हैं, तो 16 करोड़ रुपये ऑफर हुए थे। इस मेले में 20 करोड़ रुपए ऊपर हुआ है, 20 करोड़ तक की मतलब मैक्सिमम बोले कीमत लग चुकी है, और 1 खरीदार नहीं 10 खरीदार खड़े हैं, मुझे बेचना नहीं है। भीम के अलावा क्या क्या पास, क्या क्या है आपके पास? भीम के अलावा 3 इसके जूनियर बुल और है मेरे पास जी। वो जब इसी लेवल पे आ जाएंगे, डेवलप हो जाएंगे, फिर बेचने करने की बात हम सोचेंगे। जब तक वो पीछे डेवलप नहीं हो जाता है, जब तक बेचने की सोचना नहीं है। 150 भैंसें हैं मेरे पास, 100 गायें हैं, 6-7 घोड़े घोड़ियाँ हैं। इस तरह से मेरे को एक लगाव है पशुओं से, पशुपालन से लगाव है।